हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी को विश करना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर, और आशा करती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो इसी स्पेशल ओकेजन पे मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू ईयर का व्लॉग। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा रही हूँ हमारे लड्डू लाडली और कान्हा के, जो कि 31 दिसंबर यानी कि नए साल के एक दिन पहले के हैं। तो इन्होंने एकदम न्यू वाली ड्रेस पहनी हुई है यहाँ पे, तो एकदम सज धज के यहाँ पे बैठे हुए हैं तैयार होकर। ये हमारी लाडली भी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है क्योंकि वुलन ड्रेस पहना रखी है तो उस पर ज़्यादा श्रृंगार हो नहीं पाता है। तो ठंड काफ़ी है तो वुलन ड्रेस ही पहनाई है मैंने तो। और बहुत खुश हो रहे हैं सब बच्चे, तो नया साल आने ही वाला है, आज पार्टी होने वाली है। तो सज धज कर सुबह सुबह बैठ गए हैं, और मैंने भी काफ़ी कुछ तैयारियाँ कर ली थी सुबह में, तो मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने छोटे छोटे यहाँ पे प्रॉप्स बनाए हैं। तो ये मैंने है ना टूथपिक और ग्लिटर शीट्स की मदद से बनाए हैं छोटे छोटे प्रॉप, जो कि मैं उनके हाथ में दूंगी, तो ये भी न्यू ईयर पार्टी में काम आएंगे। तो चलिए मैं आपको डेकोरेशंस दिखाती हूँ। सबसे पहले तुम्हें बधाई दिए, नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई दिए। कान्हा हैप्पी न्यू ईयर, कान्हा हैप्पी न्यू ईयर, कान्हा हैप्पी न्यू ईयर, कान्हा हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई दिए, नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई दिए। तो मैंने यहाँ पे गुब्बारों से और फूलों से डेकोरेशंस की हैं, और भोग में ही देखिए यहाँ पे गजक, भेलपूरी, केक, पपाया और साथ में गर्मा गर्म राबड़ी है और जेम्स और छोटे छोटे जो यहाँ पे देखिए स्मॉल प्लेट में भी स्नैक्स रखे हैं छोटे मोटे जेम्स और मूंगफली वगैरह। तो यहाँ पे हमने भोग लगा दिया है, डेकोरेशंस भी मैंने आपको दिखा दी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं लड्डू लाडली भी और हम भी, क्योंकि बहुत सारा नृत्य किया था, भजन गाए थे, और लड्डू लाडली को तो ऐसे सेलिब्रेशंस में सच में बहुत ज़्यादा आनंद आ जाता है। तो अब मैं लड्डू लाडली को देने वाली हूँ उनके प्रॉप्स, जो कि मैंने एक दिन पहले बना के रखे थे। तो ये देखिए यही वो प्रॉप्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। ये देखिए हमारे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं ये प्रॉप को अपने छोटे छोटे हाथों में उठाकर, और काफ़ी खुश भी हो रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड भी इनके पास है, और देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू को भी बहुत आनंद आ रहा है। और स्पेशली जब राधे राधे के भजन चलते हैं ना, तो लड्डू के मुख पर प्रसन्नता ही आ जाती है। तो आज तो यही बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पे हमारी लाडली भी प्रॉप्स लेके बैठी हैं, इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों में प्रॉप्स बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो अब भोजन हो चुका है, मैंने आपको श्रृंगार दर्शन भी करा दिए हैं, तो अब समय हो गया है कुछ इंटरेस्टिंग करने का, वो चीज़ जो तीनों बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो है गेम्स। तो चलिए गेम्स खेलते हैं। तो सबसे पहली बारी है हमारे लड्डू की, तो चलिए मैं आपको गेम के रूल्स बता देती हूँ। तो ये तीन छोटे छोटे डब्बे हैं, इनमें से एक में मैं ये मार्बल डालने वाली हूँ, और फिर लड्डू की आँख बंद की जाएगी और फिर इनको घुमाया जाएगा, और लड्डू को बताना है कि मार्बल किस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लड्डू की आँखें हमने बंद करवा दी हैं, तो अब मैं देखिए इनको शफल कर रही हूँ यहाँ पर।
तो अब लड्डू बताएंगी किस में है, तो चलो लड्डू गेस करो। मुझे लगता है ये वाला। तो चलो देखते हैं। ओहो लड्डू आप तो हार गए, चलो कोई बात नहीं। तो लड्डू इसमें थी हमारी मार्बल, तो ये वाला राउंड आप हार चुके हो। और अब बारी है हमारे कान्हा की, तो कान्हा आंखें बंद करो। तो अब हम वापस इसको शफल करने वाले हैं, देखते हैं कि कान्हा क्या करते हैं, क्या कान्हा जीत पाएंगे ये राउंड। तो चलो कान्हा चुनो। ये वाला। अच्छा तो चलो देखते हैं कि इसमें, ओह इसमें भी है कान्हा, तुम तो जीत गए। तो अब है लाडली की बारी, तो चलो लाडली आंखें बंद करो। तो अब हम वापस इसको शफल करने वाले हैं, जो लाडली की आंखें बंद करवा रहे थे उनको हमने देखने भी नहीं दिया, तो यही तो गेम का आनंद है। तो चलो लाडली बताओ। मुझे लगता है ये वाला। अच्छा तो चलो देखते हैं। अरे वाह लाडली आप तो जीत गए। तो क्या बात है, कान्हा और लाडली दोनों गेम जीत चुके हैं, तो उनके लिए ये देखिए ये रहा प्राइज। और ये हमारी प्यारी सी लाडली के लिए, दोनों जीतकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और वो लड्डू को चिढ़ा भी रहे हैं। वैसे तो हमारे लड्डू बड़े नटखट है, लेकिन आज गेम में हार गए हैं वो लड्डू लाडली और कान्हा से। तो अब हम तीनों बच्चों को ले जाने वाले हैं बॉनफायर के लिए। तो सर्दियों में तो बॉनफायर होती है वैसे भी, और न्यू ईयर के लिए स्पेशली बॉनफायर हमने ऑर्गेनाइज़ की है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठंड है, तो इसीलिए वो अच्छे से मफलर वगैरह पहन के बैठे हैं और बॉनफायर का आनंद उठा रहे हैं। और फिर अगले दिन यानी कि साल के पहले दिन सुबह उठते ही लड्डू के लिए, लाडली और कान्हा के लिए यहाँ पे देखिए लड्डू आए हैं, उनके भक्त उनके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए सुबह सुबह उनके लिए अच्छे से लड्डू आए हैं, और कुछ ही देर बाद उनके लिए देखिए उनका दूसरा भक्त उनके लिए जलेबी और समोसे लेकर आया है। तो नए साल की पहली सुबह ही लड्डू लाडली और कान्हा ने अपने लिए एकदम टेस्टी टेस्टी यमी यमी भोग मंगवा लिया है, और वो आराम से यहाँ पे भोग लगा रहे हैं। और हमने पास ही में कोयले भी रखे थे ताकि उनको ठंड ना लगे। और फिर हमने यहाँ पे लाला को भी बुला लिया। अब लाला वैसे तो आ नहीं सकते थे, तो हमने उन्हें ये देखिए उनकी फ़ोन में फ़ोटो लगाकर उन्हें मन से याद किया है, और उन्हें भी यहाँ पे भोग लगाने के लिए बुलाया है। तो इसी तरह से हम लाला को कई बार बुला लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ श्रृंगार दर्शन 1 जनवरी यानी कि साल के पहले दिन के। तो इन्होंने न्यू ड्रेस पहनी है फिर से, जो कि इनके लिए पूनम शर्मा जी ने भेजी थी। तो ये मैंने एक ड्रेस बचा के रखी थी, और ये जो लाडली ने ड्रेस पहनी है ये उनके लिए बनाई है नानी ने। तो आज न्यू ड्रेस पहन के सब बड़े खुश लग रहे हैं, और पुष्पों से एकदम डेकोरेशन भी किया गया है। और ये देखिए हमारे भोले भाले से कान्हा। तो तीनों बच्चे एकदम तैयार होकर बैठ चुके हैं नए साल के दिन, और बहुत ज़्यादा खुश हैं। सुबह अच्छा सा भोग भी लगा लिया था। तो मैंने आप सभी से इंस्टाग्राम पे कहा था कि आप अपने लड्डू लाडली के दर्शन न्यू ईयर वाले दिन के मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं अब अपने वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि आप सभी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर डेकोरेशंस करते हैं, तो मैंने सोचा कि आप सभी के जो सेलिब्रेशन के जो दर्शन हैं वो भी मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करूँ। तो चलिए मैं आपको सबके दर्शन दिखाती हूँ, क्योंकि सब ने बहुत ज़्यादा सुंदर श्रृंगार किया है और अच्छे से न्यू ईयर मनाया है अपने लड्डू लाडली के साथ। तो कुछ पिक्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो इनको एंजॉय कीजिएगा।
आप सभी ने बड़े ही प्रेम से और बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार और डेकोरेशंस किए हैं। सच में ये सब देखकर मन खुश हो गया और बहुत आनंद आ गया है। इतने प्यारे प्यारे और मनमोहक श्रृंगार दर्शन शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।